अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर शुरू करने के लिए जा रहे हैं, तो इंग्लिश लिटरेचर में आप सबका स्वागत है। तो मैं आज एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिनकी की किताबें विवादों से भरा रहा, जिनका जीवन विवादों से भरा, यहाँ तक कि धर्मांतरण के बाद विवाद बढ़ा और मृत्यु के बाद भी विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ा। तो मैं ये वीडियो चालू करने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं राजेश कुमार राज फ्रॉम द न्यू वर्ल्ड स्पोकन एंड कम्युनिकेटिव इंग्लिश सेंटर लखीसराय से आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी लोग इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रेनबो बुक्स में जितने भी पोएम हैं मैं उसका सबका इसी ढंग से प्रस्तुत करूंगा। एक्चुअली होता क्या है कि क्लास में हम लोग जब आमने सामने होते हैं, तो जब लिटरेचर की पढ़ाई होती है तो उसको हम लोग जीवंत करते हैं, उसको उस ढंग से हाव भाव प्रस्तुत करते हैं ताकि विद्यार्थी को खूब बढ़िया से समझ में आ जाए। लेकिन ये अभी हम लोग क्या हैं, हम लोग एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन ये वीडियो के माध्यम से मैं आपके घर घर तक पहुँच रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आपके जितने भी फ्रेंड हैं सबको इसे देखने के लिए प्रमोट कीजिए, और लॉकडाउन के बाद जब मैं क्लास पुनः शुरू करूंगा तो मैं आपको ये सारे ये जो भी पोएट्री मैं पढ़ा रहा हूं उसको क्लास में मैं पुनः पढ़ाऊंगा। तो मैं सबसे पहले बता दूं, ये वीडियो जो मैं बनाने के लिए जा रहा हूं तो ये इंडियन इंग्लिश पोएट्स में जो कमला दास है उन पर आधारित है। तो इससे पहले मैं ये बता दूँ कि बहुत सारे हमारे सीनियर स्टूडेंट जो भी हैं, जो कि पढ़ के निकले हैं, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट इंग्लिश ऑनर्स रखे हैं, उनको भी इंडियन पोएट्री पढ़ना होता है, जिसमें कमला दास, टूडू दत्त, श्री अरविंदो, निजी मेजिकेल, सरोजिनी नायडू, इन सबों के बारे में भी जानना होता है। तो वो लोग भी रिक्वेस्ट किए कि सर कुछ ऐसा बनाइए जिसमें कि हम लोग को भी बेनिफिट हो। तो मैं उनके हितों का भी ध्यान रखकर मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि आप लोग जो 12 वाले हमारे स्टूडेंट ये देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। आपको मैंने बुक खरीदवाया था रेनबो पार्ट 2, तो रेनबो पार्ट 2 में आप जल्दी से पेज नंबर 174 निकाल लीजिए। यस, हाँ 174, हाँ देखिए उसमें क्या मिल गया, कमला दास माई ग्रैंड मदर्स हाउस। ठीक, तो हम लोग उसी पर बात करेंगे। तो देखिए, हम लोग जो ये आपको ग्रामर पढ़ा रहे हैं, नए समय पर मिलेंगे, संडे से फिर हम लाइव क्लास उसको शुरू कर रहे हैं, और उसमें क्या होता है, ग्रामेटिकल टर्म जो भी होता है मैं बोर्ड पर समझा देता हूँ, लेकिन ये लिटरेचर वाली जो बात है इसमें कुछ विशेष करना था। तो ये मेरी पहली वीडियो है और मैं कोशिश करूँगा कि अगला बार किसी पोएम के बारे में आपको जो मैं मतलब बतलाऊँ तो उसको और मैं विस्तार से बतलाऊँ, यही मतलब मेरा आगे का प्लान है। तो दोस्तों, तो मैं आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, एक विवादित लेखिका के बारे में, एक ऐसी लेखिका, एक ऐसी पोएट जिसका कि पूरा जीवन कंट्रोवर्शियल रहा। तो मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ कमला दास के बारे में। बीबीसी के एक कार्यक्रम में जब उन पर एक कहा जाए कि रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही थी, तो उनके बारे में कहा गया था कि एक साधारण गृहस्थ महिला जब अपनी भावनाओं को अपनी पूरी ताकत और साहस के साथ उतारती है तो साहित्य की दुनिया में तहलका मच जाती है। कमला दास के साथ भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था। यस, तो मैं बात करने जा रहा हूँ कमला दास के बारे में, जिनका जन्म 31 मार्च 1934, हाँ 31 मार्च 1934 को मालाबार जिले में, यानी ये मद्रास में है, वहाँ हुआ था। माँ का नाम नालापत बालमणि था और पिता बीएम नैयर थे। तो कमला दास का जो बचपन था गांव में बीता, और कहा जाए कि इनकी शादी कम ही उम्र में, यानी वही लगभग 15 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी कर दी गई के माधव दास से, और वे रिजर्व बैंक के क्या थे, हाँ एक ऑफिसर थे, उनसे शादी कर दी गई। और कहा जाए
इस कच्ची उम्र की शादी और इनका जीवन। हाँ, ये जो बेमेल शादी हुई ये इनके लिए सुखमय रहा नहीं, और इस तन्हाइयों को, इस तन्हाई में इन्होंने एक लिटरेचर यानी लिटरेचर का सहारा लिया, इंग्लिश लिटरेचर का सहारा लिया, और इन्होंने अपने जीवन में किताबें लिखना प्रारंभ कर दिया, जो कि इनके लिए आसान नहीं था। तन्हाई में इन्होंने सब कुछ लिखा, जो इनके निजी जीवन में दर्द था उसको, उस दर्द को अपने कलम से, अपने शब्दों में पिरोया। तो ये कहती है कि सबके सो जाने के बाद रसोई घर में ये लिखना आरंभ करती थी और सुबह तक लिखती रहती थी, जिसका इनके स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा असर पड़ा। लेकिन इन सब को नज़रअंदाज करके ये साहित्य की दुनिया में खोई रही। तो इनकी पहली किताब जो थी, पहली और भी बहुत सारी किताबें थी, लेकिन इन्होंने जो बायोग्राफिकल अपना पूरा जीवन, अपने जो निजी दर्द था, अपना व्यक्तिगत जीवन में जो पीड़ा थी, उस पीड़ा को जो लिखी ऑटोबायोग्राफिकल इनकी बुक थी, उसका नाम था माई स्टोरी। यस, माई स्टोरी। माई स्टोरी में इन्होंने निजी जीवन के सब कुछ को लिख दिया, एक वैसे पर्सनल बातों को जो कि पति पत्नी के बीच होती है, उन बातों को भी इन्होंने सारा कुछ अपने शब्दों में पिरो दिया। और इस किताब को रुकवाने के लिए इनके रिश्तेदारों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वे रुकवा नहीं पाए। और यह किताब 1 फरवरी 1976 को प्रकाशित हुई, जो कि हलचल मचा के रख दी। और इतना हलचल इस बुक के कारण हुआ, इसका 15 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया और काफ़ी लोकप्रिय हुए। कमला दास, जो कभी माधवी कुटी, कभी कमला सुरैया, तो कभी अपने चाहने वालों के लिए सिर्फ आमी लिखा, अपने आप में प्रतिरोध है, अपने आप में एक सिग्नेचर है जिसे वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और 1990 में, यानी 1990 में के माधवदास का निधन हो गया। और इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, और इनको टाइम्स ऑफ इंडिया ने मदर ऑफ मॉडर्न पोएट्री से सम्मानित किया था। और इन्होंने 1984 में MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने एक अपना पार्टी बनाया था, जिसका नाम रखा गया था लोक सेवा पार्टी। लेकिन अफसोस, ये चुनाव जीत नहीं सकी और इन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो 11 दिसंबर 1999, इनके लिए विवादों से परिपूर्ण था ये। 11 दिसंबर 1999, जब इनका एज 65 की थी, जब इनका एज 65 का था, इन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया और बन गई कमला सुरैया, जो एक बार फिर विवाद का कारण बना। एक बार इनसे BBC के इंटरव्यू के दौरान रिपोर्टर ने इनसे सवाल किया था कि आपने ऐसा क्यों किया, ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करने वाले आप मुस्लिम धर्म को क्यों अपना ली? तो इनका जवाब था, मुझे मृत के दाह संस्कार पसंद नहीं, मृतकों को जलाना ठीक नहीं, इसलिए मैंने इस्लाम को अपनाया। और इन्होंने बोली, मुझे इस्लाम से शुरू से ही लगाव था, लेकिन हस्बैंड के डेथ के बाद, इनके पति के मृत्यु के बाद, इनके एक मुस्लिम मित्र, हाँ, एक इनके जो मुस्लिम मित्र थे, उनसे ये बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हुई थी, और शायद मुस्लिम धर्म, इस्लाम को अपनाना उसी का परिणाम था। तो ये इस्लाम अपनाने के बाद भी इन्हें उसमें चैन नहीं मिला, इन्होंने बहुत सारी खामियों को इस्लाम में भी देखा, जिसका इन्होंने उजागर किया। शायद कई बार मौलवियों ने इन पर फतवा जारी कर दिया, लेकिन ये इन सब से परे थी और ये चंचल अपनी प्रतिभा से अपना लेखन जारी रखा। दोस्तों, मैं इनके बारे में एक और बात बताते चलूं, इनके जीवन पर फिल्म भी बनी, और वो फिल्म है आमी। आमी जो फिल्म थी, इस पर सबसे पहले विद्या बालन को लेने की बात आई थी, लेकिन विद्या बालन
हाँ विद्या बालन पहले तो तैयार हुई थी लेकिन फिर वो तैयार नहीं हुई और फिर इसे छोड़ दिया गया, उन्होंने छोड़ दी। और ये फिल्म भी फिर एक विवाद का कारण बना, किसी और अभिनेत्री ने इसको निभाया और ये फिल्म के लिए हाई कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाना पड़ा। यानी कहने का मतलब यह फिल्म लव जिहाद से जोड़ कर देखा गया और इसलिए केरल हाई कोर्ट तक यह मामला पहुंचा। लेकिन अंत में यह फिल्म रिलीज ही हुई और वो रिलीज 9 फरवरी 2018 को हुआ। इसके डायरेक्टर मलयालम फिल्म के कमाल थे। तो ये फिल्म कहा जाए इनके जीवन से संबंधित बातों पर थी, जो कि काफ़ी हद तक सफल भी रही। तो इनका अंत समय जो था काफ़ी तन्हाई में बीता। ये अपनी पीड़ा को अपने लेखन के माध्यम से कई बार उजागर की। एक बार इन्होंने बताई थी कि जब ये अपने छोटे बेटे के साथ हाँ समुद्र के तट पर घूमती थी तो कई लोग इन्हें प्रेमी और प्रेमिका समझ लिए थे। और इन्होंने एक बार अपने जीवन से, अपने तन्हाइयों से, अपने जीवन से इतना ये घायल थी कि एक बार ये शूटर के पास गई थी और उसने बोली थी कि एक आदमी की हत्या करना है। उस शूटर ने बोला था कि किसे, तो उसने अपना चेहरा दिखाई थी। वह विचलित हो गया था और उसने ऐसा करने से मना कर दिया। तो दोस्तों इनका अंतिम जो समय था काफ़ी तन्हाइयों से गुजरा। जीवन में इन्हें कभी पूर्ण शांति मिली नहीं और पूर्ण खुशियां भी नहीं मिली। अंतिम के समय इनका बहुत ही कष्ट से गुजरा। अंत समय में ये कैंसर से पीड़ित हो गए और कैंसर से जूझते 31 मई 2009 को इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन अंतिम संस्कार पर भी फिर विवाद शुरू हो गए और इनके अंतिम संस्कार के लिए भी विवाद का दौर थमा नहीं धर्म के कारण। तो अंत में केरल सरकार ने इस पर फैसला दिया कि इन्हें मालाबार के जामा मस्जिद के बगल में इन्हें दफना दिया जाए। तो इस प्रकार कमला दास को वहीं दफना दिया गया। तो दोस्तों मैं इनकी कुछ प्रमुख किताबों के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। जैसे कि एक इनकी किताब थी ओनली द सोल नोज हाउ टू सिंग, या अल्लाह द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, द केप्ट वुमेन एंड अदर स्टोरी, अ डॉल फॉर द चाइल्ड प्रोस्ट्यूट, और अंत्य कथा जिसका कि अंग्रेजी अनुवाद माई स्टोरी नाम से आया। तो दोस्तों इनका जीवन में बहुत सारे अवार्ड पुरस्कार भी दिए गए। 1963 में पेन एशियन पोएट्री प्राइज दी गई, 1968 में केरला साहित्य एकेडमी दी गई और 1984 में इनको शॉर्ट लिस्ट में डाल दिया गया था नोबेल प्राइज के लिए। यानी कि ये नोबेल प्राइज के लिए इनको नॉमिनेट किया गया था लेकिन संजोग इनको नोबेल प्राइज नहीं मिल पाया, और मिलता तो बहुत ही सम्मान की बात होती है। 1999 में इनको कैंट अवार्ड दिया गया और 2001 यानी 2001 में वायलर अवार्ड दिया गया। तो दोस्तों ये था संक्षेप में कमला दास के बारे में मैंने बताया। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब मैं करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। नहीं तो ऐसा क्या होता है कि आपको जब किसी के द्वारा जानकारी मिलती है तब जाके आप सर्च करते हैं, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लाइक भी कर दीजिए। तो कैसा लगा ये वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि मैं इसको आगे और भी अच्छा से प्रस्तुत कर सकूँ। और ये लॉकडाउन में सुख सुविधाओं यानी कि हमारे पास संपदा का अभाव यानी कि कहा जाए वैसे संसाधन हमारे पास नहीं है कि सारे वीडियो को मैं मिक्स कर सकूँ। ये छोटा सा वीडियो मैंने अपने मोबाइल से मतलब मिक्स करके आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, और दूसरा पार्ट इसका देखना मत भूलिए, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, जिसमें आप जो पोएम पढ़ते हैं उसका हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे और लाइन बाय लाइन उसका हम लोग हिंदी समझेंगे। तो धन्यवाद।